वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए रवा उत्पम की रेसिपी लेकर आए हैं बहुत इजी तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है हम बता देते हैं। हमने लिया है एक शिमला मिर्च कटी हुई, आधा टमाटर लिया है, नमक टेस्ट के अनुसार, हरी मिर्च एक ले ली है, आधी गाजर ली है और एक प्याज ले लिया है, एक कटोरी रवा, एक कटोरी दही और कुछ नमक हमने इसमें घोल बना के तैयार किया है। अच्छे से इसको फेंट के तैयार किया है। 15 मिनट के लिए इसको रख दिया था। उसके बाद अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। ये वाली इस तरह से रवा उत्पम बहुत इजी रहता है बनाने में। सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे, हरा मिर्च डाल देंगे, कुछ नमक हमने आधा चम्मच डाला है, कुछ ये अब और डाल रहे हैं, एक टमाटर ये डाल देंगे और एक शिमला मिर्च जो रखी है वो डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। इधर हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, रिफाइंड ऑयल हमने लगाया है। अब इसी पे हम उत्पम बनाएंगे। पैन गरम हो गया है, छोटे छोटे उत्पम बनाएंगे। आप अपने साइज के भी बना सकते हैं, जिस साइज आपको पसंद हो, जो उस साइज का भी आप बना सकते हैं। हमने सब्जियां उसी में मिक्स कर दी थी, आप चाहे तो इसके ऊपर भी सब्जियां डाल सकते हैं। अब इस पे हम कुछ रिफाइंड ऑयल की बूंदे ऐसे डाल देंगे, इसे छुटाते समय दिक्कत ना हो पलटते समय। इनको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इस तरह से एक बार ट्राई जरूर करें। टोमेटो सॉस के साथ इसको सर्व करें, टमाटर की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।